मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति मजबूत है और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, वह बच नहीं सकते। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों के शुभारंभ के बाद गहलोत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में शांति और सद्भाव रहे, भाईचारा रहे और अमन चैन कायम रहे, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आइए सुने उन्होंने क्या कहा। और 40 मिनट महिला उसके अंदर है, इतना माहौल शानदार बन रहा राजस्थान के अंदर। आज के दिन का लोग इंतजार कर रहे थे, वो दिन आ गया। देखा आज आपने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह क्या था, हमारे मंत्रीगणों ने भी भाग लिया कबड्डी मैच के अंदर। एक पूरे माहौल को हम चाहते चेंज करें राजस्थान के अंदर, जहाँ प्रेम सद्भावना भाईचारा हो आपस के अंदर, खेल को खेल की भावना से खेलें, उसी प्रकार की जीवन में वो जीवन पद्धति अपनाएं, तब जाके हम राजस्थान को 2030 की बात जो हम करते हैं उसमें युवा भी आता है। आज का युवा कल का यहाँ का कर्णधार होगा। हमारे युवा अच्छे साइंटिस्ट बने, हमारे यहाँ टेक्नोक्रेट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ऑल इंडिया सर्विसेज में जाएं, सोशल वर्कर बने। ये जो कई जगह मैं देखता हूँ, ये जो क्या कहलाते हैं वो मन चले, ये मन चले जो लड़के होते हैं ना, वो पूरा माहौल ख़राब करते हैं और लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं। तो हमने कल ही कहा डीजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को, सबको जो अधिकारी थे, कल रात को मीटिंग हुई थी, हमने कहा मन चले लोग जो है इनका इलाज करो, इनके नाम लिखो और इनके नाम भेजो आरपीएससी के अंदर और यहाँ पर सबऑर्डिनेट सर्विसेज के अंदर। इन मन चले लोग जो घर की बहन बेटी आती है पढ़ने के लिए, उन्हें बदतमीजी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। ये माहौल जो राजस्थान बनाया जा रहा है जानबूझ करके, जबकि राजस्थान बहुत ही शांतिप्रिय प्रदेश है, तो मणिपुर से तुलना करके बदनाम करने का प्रयास हो रहा है। कुछ घटनाएं हुई है, हर राज्य में घटनाएं हो रही है, इनको मध्य प्रदेश घटना नहीं दिखती है, जहाँ बीजेपी का एमएलए, पूर्व एमएलए का बेटा उसमें शामिल है। जोधपुर में 2-3 लड़के थे, एबीवीपी के लड़के थे, उन्होंने उस बच्ची का रेप कर दिया, गैंग रेप कर दिया, उसको इनकी जिक्र नहीं करेंगे। और बजरंग सेना बनी हुई है अलवर के अंदर, उसके कार्यकर्ता ने रेप किया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं कहना चाहूँगा, ये जो रेप हो रहा है या अत्याचार हो रहा है, इसमें हम सब मिलके समाज को शिक्षित करें, उनको मोटिवेट करें, परिवार में ध्यान रखें, बच्चियों का भी, बच्चों का भी, और उस ढंग से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो कि लड़की लड़के बिना पूछे हुए चले जाते घर से, भाग जाते हैं, नौबत आनी नहीं चाहिए। और परिवार के जनों को भी चाहिए कि बच्चों के ख्याल रखिए, उनके दिलों के अंदर क्या है, दिमाग में क्या है, कि बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कि बच्चे एक दूसरे को मार देते हैं। आप देख लो क्या क्या घटना हो रही है, ये तभी रुक सकता है जब माँ बापों का दिल बड़ा हो। अगर किसी ने मार लीजिए, किसी के लव अफेयर हैं, तो माँ बापों को चाहिए कि संदेश करे उन्हें।